नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से संबंधित जो पैरामेडिकल विज्ञान संकाय है उससे, क्योंकि जो सेकंड काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर जारी हुए थे अभी, उनमें आप सभी लोगों को एडमिशन लेना है उसके तहत। लेकिन केजीएमयू का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी विद्यालयों या कॉलेजेस के अकॉर्डिंग जो है नहीं है। तो यहाँ जो केजीएमयू है उसने अपना अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन को आप सभी लोग देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को केजीएमयू में रिपोर्ट करना है। तो आइए देखते हैं इस ऑर्डर को और समझते हैं कि क्या क्या करना है और किस डेट को जाके वहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। उससे पहले अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो केजीएमयू की वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के दे दूंगा, जिससे आप आसानी से पहुंच पाएंगे इसकी वेबसाइट पर। आ गए हैं इसकी वेबसाइट पर और ये जो लिंक है, जिस लिंक से हम यहाँ पर आए हैं, जिस थ्रू, ये लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के दे दूंगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि नीचे एडमिशन इन्फॉर्मेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर और ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, और एक चेक लिस्ट यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है। और बाकी अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, फर्स्ट बैच के लिए कितनी है और सेकेंड बैच के लिए जो है कितनी है, यहाँ पर पूरी फीस स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो यानी हम एक करके देखते हैं। सबसे पहले एडमिशन को हम टिक करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर डिटेल है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे, देखिए ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई है और ये 3 तारीख को आदेश जारी किया गया था। इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि सेकंड काउंसलिंग में चयनित समस्त पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 11, 12 और 13 को प्रातः 10, 10:30 बजे से 4 बजे के बीच में संपन्न कराई जाएगी। समस्त पाठ्यक्रमों की फीस जो है वो 43,000 रुपये मार है, जो कि एक ही बार डिमांड ड्राफ्ट में आपको देनी होगी। और जो डीडी बनेगा, जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, वो बनेगा केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस के नाम, यानी इस नाम से आपको डीडी बनवाना होगा। तो ये डीडी आप बनवा सकते हैं किसी भी नेशनलाइज बैंक से, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या जो है जितनी भी पीएनबी है, इंडियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, जितनी भी बैंक हैं इन सभी से आप बनवा सकते हैं, किसी से भी। तो ये आपकी बात हो गई। देन इसमें बताया गया है कि 10 रुपये का नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर मिलेगा, लगाना पड़ेगा आपको, जो उसको बनवाना पड़ेगा, और ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहीं पर जो हमने बताए हैं उन्हीं में ये भी उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद आपको यहाँ बताया गया कि सीएम यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी देना होगा, ये भी फॉर्मेट वहाँ पर उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त वेबसाइट पर इंगित समस्त प्रपत्रों की प्रिंट कराकर उन्हें भलीभांति भरकर लाएं। तो जितने यहाँ पर हैं उन सभी को आपको लेके जाना है। यहाँ पर जिन प्रपत्रों की बात की जा रही वो यहाँ पर ये प्रपत्र आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे वही प्रपत्र हैं। यह चेकलिस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये चेकलिस्ट है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स बताए गए होंगे कि किस तरीके से आप इनको एक एक करके उसी ऑर्डर में लगा सकते हैं। देखिए ये चेकलिस्ट है, फिल इनरोलमेंट फॉर्म, फी ड्राफ्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर, ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, फी सेट्स में, तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये माइग्रेशन या टीसी सर्टिफिकेट है, जिसको टीसी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल विद 3 सेट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ हैं। और यहाँ इन्होंने बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट्स नॉट ओवर 6 मंथ ऑफ ओबीसी, यानी फॉर ओबीसी, यानी 3 मंथ से पुराना नहीं होना, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ चाहिए, सेल्फ एड्रेस 2 एनवलप चाहिए आपको, कॉपी ऑफ आधार चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, और यहाँ पर थंब इम्प्रेशन ऑफ द बोथ हैंड, एफिडेविट एज रिक्वायर्ड टू मेंशन इन वेबसाइट, जितने भी वहाँ पर आपको अभी हमने बताया। और यहाँ पर यानी इतनी सारी चीज़ें आपको, 17 चीज़ें जो हैं इसमें, वो आपको
इसी ऑर्डर में लगा के ले जाना है जो फाइल बनानी है। तो आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आप अगर नहीं किए हैं तो आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप स्किप कर दिए हैं तो दोबारा इसे देख लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि जीएमयू में एडमिशन लेते समय। तो आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।